दोस्तों, अगर आप SBI CSP है तो आज के ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे, अगर आप SBI CSP के जो लिस्ट है, जैसे कि स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.sbi.co.in, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन कौन CSP का नाम इंक्लूड है, यानी कि आप यहाँ पे बैठ के आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से आप ऑल ओवर इंडिया के जितने भी SBI CSP है सबके नाम, सबके एड्रेस आप देख सकते हो, और उनमें आपका नाम है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो में लगे रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, स्किप मत करना। आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो बाद में कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है, इसमें हम लोग को जो SBI ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in, यहाँ पे आपको दिख रहा है www.sbi.co.in, स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना है और एंटर करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुल जाएगा, स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। चलिए ये बीच में है, आपको दिखा देता हूँ मैं उंगली से, एग्रीकल्चर एंड रूरल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद में आपको राइट साइड पर यहाँ पे जाना है रूरल ऑप्शन पर। रूरल ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे और एक जो है रोल नीचे आ जाएगा, इसमें आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, रूरल माइक्रो क्रेडिट कार्ड, इसके बाद में नीचे दिखेगा आपको फाइनेंशियल इंक्लोज, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे और एक क्वेश्चन खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY गैलरी, सब कुछ ऑप्शन आ जाएगा, अटल पेंशन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमको जो है लिस्ट निकालना है। इस साइड में देखिए APY, PMSBY, PMJJBY, PMSBY, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे दिखा हुआ है कियोक्स आउटलेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया कियोक्स आउटलेट्स का लिस्ट ऑफ SBI कियोक्स आउटलेट BC चैनल एज ऑन 4/3/2021। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और सारे के सारे जो है PDF में खुल जाएगा। इसमें पेजेस से आपको दिखाई देगा 1190, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 1200 पेज है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी CSP हैं सबका यहाँ पे नाम, लोकेशन, ID, कौन सा BC है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगा। तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि सबका डिटेल्स मेरे को दिखाने का अधिकार नहीं है, मैं किसी का जो है पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता। आपको अगर देखने आप देख सकते हो, तो ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए है, एडुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसका कोई गलत फ़ायदा मत उठाइए। तो ऐसे आपको जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे सबका नाम आएगा। अगर आपका नाम है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे, इसमें आपको कंट्रोल F डालना है, कंट्रोल प्लस F जैसे ही डालोगे यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा, इस पर आपको आपका ID डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, चेक करना है। तो मैं अपना खुद का ID डाल देता हूँ। जैसे एंटर हिट करेंगे यहाँ पे 0 रिजल्ट आ रहा है, इस लिस्ट पर मेरा नाम नहीं है, लेकिन इससे आगे जो पुराना लिस्ट था 2019 का उस पर शायद मेरा नाम रहेगा, ऐसा भी है, दो लिस्ट है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और फिर यहाँ से नीचे आ जाऊँगा। इसमें देखिए हमने यहाँ गया था कियोक्स आउटलेट, अभी हम जाएंगे PMSBY पर, फिर यहाँ पे दोबारा देखिए और एक लिस्ट मिल जाएगा हमको, क्लिक हेयर टू व्यू द लिस्ट ऑफ SBI कियोक्स आउटलेट BC चैनल एज ऑन 30/9/2019, इसमें शायद मेरा नाम रहेगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए एक्सेल लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गया, तो इस एक्सेल लिस्ट को हम यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, तो एक्सेल लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसको भी मैं ब्लर कर दूंगा, सिर्फ मेरा ID मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी एक SBI CSP हूँ, तो मेरा नाम इस पर है कि नहीं, इन दोनों में से एक में मेरा नाम तो रहेगा श्योर, और वैसे रहेगा भी क्योंकि बैंकिंग ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उस पर हम लोग का नाम आएगा। ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, ओपन हो गया। चलिए इसमें जो है इसमें भी सिर्फ मैं कंट्रोल F करूँगा मेरा नाम, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके हम ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत राव है इसमें, बहुत है। तो कंट्रोल F डालेंगे, कंट्रोल F डालने के बाद फाइंड करने के लिए आ गया, तो मैं यहाँ से मेरा ID डाल देता हूँ 3A42860। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे, यस मेरा नाम आ चुका है, मेरा ID यहाँ पे आ चुका है। इस साइट में देखिए मेरा ID है, यहाँ पे मेरा नाम है, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये मेरा नाम है, मेरा ID कोड है, मेरा BC का नाम है, कौन सा जोन से है, नॉर्थ ईस्ट जोन, मेरा ब्रांच लिंक ब्रांच का कोड, लिंक ब्रांच कौन सा है, लंका है, कौन सा सिटी है, गुवाहाटी से है, और किस जगह पे है, कैसे सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपको भी ऐसे आपका नाम सब कुछ देख लेना है, आसाम है मेरा जो स्टेट है, इसी तरह ऑल ओवर इंडिया के जो भी CSP है सब CSP का आप नाम यहाँ पे एड्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप भी निकल सकते हो, आप भी देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में आकर।